हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ गिरजा देवी में, और गिरजा देवी में कुछ समय पहले आई थी बाढ़, तो वो नज़ारा दिखाने वाला हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। तो बने रहना वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं है, बाकी मैं देखते हैं थोड़ा सा जाके। आज सुबह हम जल्दी निकल गए थे वहाँ से, होटल से चेकआउट जल्दी कर दिया था जिस जहाँ पर हम रुके हुए थे। तो देखते हैं, भीड़ भाड़ तो बिल्कुल है नहीं गिरजा देवी में अभी फ़िलहाल, देख सकते हो सामने। तो गाइज़ यहाँ पे भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, और आप देख रहे हो काफ़ी दुकानें यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि भीड़ नहीं है, तो दुकानें भी कम ही खुली हुई हैं। सो ये पूरी मेन मार्केट है, मतलब जो इधर रेस्टोरेंट भी है सामने, जलपान गृह कह सकते हो। और ये है पूरा प्रॉपर मेन गेट, यहाँ पे घंटा लटकता वो है नहीं। एक नंबर तो ये है पूरा सीन, बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है, ऑफ सीजन है शायद। और सामने ये मंदिर, बस कुछ ही सेकंड में पहुंचने वाले हम मंदिर के पास में। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और भैया ये है वो पुल, और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो देख सकते हो। और ये सामने है गिरजा माता मंदिर, आप देख सकते हो भाई, खतरनाक व्यू आ रहा है इधर भी, देख लो पूरा प्रॉपर। और मैं भाई आ चुका हूँ, दर्शन भी हो चुके हैं, दूर से ही यहीं से दर्शन कर लेते हैं, इस वजह से सोचा आपको भी थोड़ा सा दिखा देंगे गिरजा माता मंदिर। और बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पर काफ़ी। और यही था वो पुल भाई, यहाँ पर पानी कहाँ तक था पानी जो अभी पीछे बाढ़ जो आ गई थी है ना, ये सारे तंबू, हाँ सारे तंबू वगैरह बह गए हम काफी ले। हाँ अच्छा, ये वाली सीढ़ियाँ ये बिल्कुल पत्थर बन गए, बह गए था सब। ये गाइस व्यू है, उधर हम कभी नहाते थे आके, लेकिन अब नहाएंगे नहीं, ठंडा हो रहा मौसम बहुत ज़्यादा, कभी तसल्ली में आएंगे यहाँ पे तभी मज़ा आएगा। दूर भी नहीं है, दूर तो है ही नहीं। अच्छा इधर से भी वो हो गई ना, दूसरा तो गाइस देख सकते हो ये वाली सीढ़ियाँ बंद कर दी हैं, ये इधर से लोग आते थे, ये बह गई है पूरी, ये इधर देखो ये पूरा बह गया है। ये पूरा बह गया है, लेकिन इधर वाला जीना ठीक है, सीढ़ी जो इधर वाली है वो ठीक है। चलो चलो चलो, अबे क्या हुआ, ये लग रहा है मेरे। तो ये है मंदिर का पूरा एरिया, आप देख सकते हो मंदिर है। मुँह धुल के आते हैं, चलो भाई चलो। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू। हाँ वैसे तो गाइज हमारे बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो गिरजा देवी जरूर आए होंगे, क्योंकि मुरादाबाद से गिरजा देवी ज़्यादा दूर है नहीं, बिल्कुल भी दूर नहीं है, पास में ही है। लेकिन जो लोग नहीं आए एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करो, बहुत ही मतलब बहुत सस्ते में सबसे कम दूरी पे ये मंदिर है। हाँ सबसे कम दूरी पे मुरादाबाद से, तो आप आना चाहते हो आ सकते हो। वैसे तो बहुत सारे लोग आए होंगे, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हर साल दो दो तीन तीन बार भी आते होंगे, जैसे मैं पिछले दो सालों से तो नहीं आया हूँ, लेकिन उससे पहले साल में दो तीन चार चक्कर लग ही जाते थे, कभी कोई ले आता था बुला के, कभी खुद से आ जाते थे ट्रेन से। तो बाकी अभी थोड़ा सा नदी पे चलते हैं भाई, नदी तो बहुत दूर है भाई, दूर ना यही चलेंगे सीधे पार पार भाव उधर लास्ट वाली ये तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, पत्थर वही पूरी पूरा यहाँ पे पूरा वो लगा रहता था ना, तंबू लगे रहते थे यहाँ, ये सब तंबू लगे रहते थे, ये बाढ़ से आए, ये सब इतने बड़े बड़े पत्थर बाढ़ से आए। हाँ पूरा खतरनाक हो चुका है भाई, उस टाइम बाढ़ आई थी ना, बहुत खतरनाक वाली बाढ़ आई थी यहाँ पे।
सारी सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ ये बह गई, जीना पूरा ऊपर चढ़ने का। अच्छा ये पे यहाँ पे रुक गया, देखो कितना तगड़ा वो है। यहाँ पे पूरी गहरा भी ना था ये तो भाई, बड़ी मुश्किल से हमने ये पार किया है, पानी चल रहा था। और अभी उधर चलते हैं, थोड़ा मुँह हाथ धोते हैं। वहाँ पे यहाँ पे पहले तंबू लगे होते थे, तमाम तंबू होते थे, बिल्कुल किनारे पे होते थे उस साइड में। नहीं पूरा अस्त व्यस्त हो गया, यहाँ पे धार थी यहाँ पहले, ये धार थी जहाँ पे हम खड़े हैं, वो धार उधर हो गई लास्ट में बिल्कुल। ये पूरा पूरा यहाँ पे धार थी जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे धार थी और जहाँ ये तंबू है यहाँ पे ऐसे तंबू हुआ करते थे। लेकिन ये पूरा चेंज ही हो गया, नक्शा ही बदल गया बाढ़ आने से, खतरनाक मंजर है। अच्छा पहले आए थे तो पहले बिल्कुल अलग था, अब तो बिल्कुल एकदम अलग हो गया। जहाँ पे धार नहीं थी वहाँ पे धार हो गई, और जहाँ पे धार थी वहाँ पे पत्थर ही पत्थर हो गए, क्या बात है। बाकी देखो इधर पानी बह रहा है इधर। तो गाइज ये है, देख लो पूरा सीन नीचे से, उधर से हम लोग आए थे और ये पुल क्रॉस करके पूरा उस साइड में मंदिर है, और इस साइड में हम लोग आ गए हैं ऐसे घूमते हुए। पहले यहाँ पे पानी यहाँ तक चलता तो था लेकिन काफ़ी चौड़ी थी। हाँ हाँ, लेकिन अब क्या है कि बस थोड़े से ही बीच में मतलब हो रहा है, और जहाँ पे पहले बहती थी वहाँ पे पत्थर ही पत्थर हो गए, ये देखो ऊपर तक। बाकी चलते हैं फिर पवन भाई। पीछे भी आके देखो, पीछे भी वो टूट गया, पीछे का भी पोर्शन जो बना हुआ था थकान हो गया उधर तक। वैसे लोग जा रहे हैं उधर तक भी। हाँ चश्मे कैसे खड़े कर रखे हैं, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये है पूरा प्रॉपर मंदिर, पास में आ चुके हैं। हम लोग ऊपर नहीं जा रहे, केवल पवन भाई जा रहे हैं ऊपर। ये है पूरा 360 व्यू आप देख सकते हो, और मैं बिल्कुल मंदिर के सामने ही खड़ा हूँ। तो गाइज़ ये जो आप जगह देख रहे हो यहीं पे पहले भंडारा हुआ करते थे। आप कभी फ्री टाइम में आओगे यहाँ तो बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, ये तो बहुत ही कम, मतलब क्या ही बताऊँ, लोग हैं ही नहीं। और बाकी निकलते हैं हम लोग बाहर, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। हाँ जी क्या ले रहे हो, है कुछ पसंद आया, कुछ पसंद चले भाई क्या है। गाइस ये था प्रॉपर गिरजा देवी मंदिर, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। हम लोग दर्शन करने इसलिए नहीं गए क्योंकि हम लोग आ रहे हैं चमोली से, और वहाँ से आते हुए हम रास्ते में रुके थे। आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।